अबे तो कूड़ा उठाने का काम करता है, मुझे पता नहीं था। और ये कौन है? मनीषा, तुमने तो थप्पड़ क्यों मारा? थप्पड़ क्यों मारा? मेरे को ना तेरे को चप्पल से मारना चाहिए। दिमाग खराब हो गया है? कौन है बे तू? मैं इसकी बहन हूँ। बहन हो तो तुम दोनों यहाँ कूड़ा उठाने का काम करते हो? कितनी बड़ी बड़ी इसने फेंक रखी थी मेरे सामने। किसका बिजनेस है? खुद का। खुद की बहुत सारी शॉप है, पर की बिजनेस है कूड़ा उठाने का? मनीषा, ये तुम क्या बोली जा रही हो? तुम क्या बोले जा रही हो? सच बोल दिया? कड़वा लग रहा है तुझे सच? तुम्हें पता भी तुम क्या बोल रही हो? मैं क्या बोल रही हूँ मुझे अच्छे से पता है। कूड़ा उठाने का काम करकर ये कूड़ा उठाने का काम नहीं करता है। ए, चुप रह। अपनी आंखों से देख लिया तो उसकी तरफ जारी कर, ताकि मैं उसे छोड़ू ना, है ना? अरे तू जैसे लड़के का ना भी रहना इसकी जिंदगी में तो। मनीषा, तुम्हें हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन पे हाथ उठाने की? हिम्मत कैसे हुई? ये हमारे रिश्ते में बोली जा रही है बीच में। तुम थप्पड़ मार रही हो और ऊपर से मुझे बोल रही हो मैं बोली जा रही हूँ? तू ना कहीं की औकात में रहे। कूड़ा उठाने वाली है ना तो अपनी औकात में रहे। औकात के बाहर ना मैं उठाती हूँ कूड़ा, ना मेरा भाई उठाता है कूड़ा। वो तो मैंने देख लिया ना, इसलिए अब तो बड़ी बड़ी फेंकेगी तू ही अपने भाई की तरह। और ये नल्ला कोई काम नहीं कर सकता है कूड़ा उठाने के अलावा। मुझे तो पहले से ही शक था कि तू ना कोई ऐसे वैसे ही काम करता होगा, तभी तो कभी अपनी ना शॉप दिखाई ना अपनी फैमिली से मिलवाया। क्योंकि तुझे पता है झुग्गी झोपड़ी में रहता है और मुझे ऐसे रहने की आदत नहीं है। कितनी गंदगी होती है वहाँ पे, छी, और इतना कूड़े से बदबू आ रही है। इसने बोला। मनीषा, अब तुम कुछ हद से ज्यादा ही बोल रही हो। ए, ज्यादा मत बोल। तुम ज्यादा मत बोलो। तुझे पता है दुकान के आगे लगा था, अंकल हटा नहीं पा रहे थे इसलिए हम जैसे साइड कर रहे थे। ज्यादा मत बोल, ठीक है? अंकल हटा नहीं पा रहे थे, अब तो फेंकेगा ही ना। और क्या बोलता था? मेरा बड़ा संग्रहालय, मेरी इतनी सारी शॉप है। हाँ तो सच में है, सच में है, सच में। अगर तुम्हें यकीन नहीं, ये बोलना कि कूड़े की रेडी है बहुत सारी, वो चलाते हैं हम भाई बहन मिलके, पूरा खानदान मिलके। खानदान पे तो जाना मत, तुम तो हमारे खानदान के लायक भी नहीं हो। ए, सही कहा, मैं तेरे खानदान के लायक नहीं हूँ क्योंकि मैं तेरे खानदान से बहुत ऊपर हूँ, जो कि ना तुम जैसे लोग डिजर्व नहीं करते हो मुझे। और ना ही मैं तेरे भाई से शादी करूंगी, घटिया इंसान। मुझे लगा था पैसे। मनीषा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। कैसे उठाई जा रही है? तुम मेरे भाई के बारे में गलत बोल रही हो। तुम्हारी कोई औकात नहीं कि मेरे भाई के बारे में गलत जज करो। अच्छा, तेरे भाई के बारे में गलत जज करो? पता चल गया ना कि रेडी वाला है कूड़े वाला। मुझे तो लगता है ना कि तुम्हारे खानदान में काम करता होगा, इसलिए तुम्हें अच्छे से परख है कि कौन रेडी वाला है। ए, चुप कर। मेरे खानदान ना पैसे वाले लोग हैं। और हाँ, मुझे लगा था ये पैसे वाला है तो मैं इसके साथ थी। अब इसके साथ मैं ना शादी बिल्कुल नहीं करूंगी क्योंकि मैं अच्छे खानदान से हूँ, अच्छा लड़का मिल जाएगा। तेरे जैसे घटिया लड़के के साथ में रहना पसंद नहीं करूंगी। अरे तुम ये क्या बोल रही हो? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा सोचती हो मेरे बारे में। ए, सोचती क्या हूँ? देख ले अपनी आंखों से क्या करता है। अरे क्या देखूं मैं, एक साइकिल ही तो अटैच कर रहा था। कहीं का चुप, कोई अच्छा काम कर लेता। बहुत ज्यादा हो गया, जानना चाहती है कि मेरे भाई क्या करता है? ए, जानना क्या चाहती हूँ? देख लिया है, मुझे नहीं जानना है और ना ही कोई जानने में इंटरेस्ट है। पीएस इंडस्ट्री का मालिक है, हम दोनों भाई बहन मिलकर अपनी कंपनी चलाते हैं, ठीक है? मोबाइल है ना तेरे पास? मोबाइल में सर्च मार, हम दोनों भाई बहन की फोटो आएगी उसमें, सर्च मार। अच्छा, वो भी नहीं है क्योंकि इसका खानदान है। अच्छा, तेरे पास मोबाइल भी नहीं है? ले, मेरे मोबाइल में सर्च मार। चलाना तो आता है ना भाई? इसको कहाँ चलाना आएगा, एप्पल का फोन? चुप रहे, एंड्रॉइड की औकात नहीं है क्या भाई? इसका फोन मेरे को अच्छे से चलाना आता है, ठीक है? चला तो देख, सर्च मार। और मेरा फोन तो, हाँ वो तो कबाड़ी को बेच दी होगी, घर में भूल गई हूँ गलती से। देख लिया, देख लिया, आ गई अकल ठिकाने। सही रहा मेरी वक्त पे ना आंखें खुल गई और मैं तुम जैसी लड़की से प्यार करता था। अगर तो हमारी शादी हो जाती तो तुम तो मेरी जिंदगी तबाह कर देती। अच्छा, तुम उस कंपनी के मालिक हो? अरे मैं तो मजाक कर रही। लेकिन अब हम सीरियस हो चुके, मेरा भाई तुमसे कभी शादी नहीं करेगा। निकल जाओ यहाँ से, ठीक है ना, अपनी गंदी सी शक्ल लेके। अब तुम्हारी सच्चाई हमारे सामने आ चुकी है, तुमसे तो मैं बिल्कुल शादी नहीं करूंगा। तुम्हें देख के भी सोचना चाहिए, इसका गुड लुक देख के समझ नहीं आ रहा है? ये क्या रेडी वाला दिख रहा है? इसके जूते 20,000 के हैं, इसके शर्ट 5,000 के हैं, और इसकी शक्ल भी देख लो, ठीक है ना? और गोल्ड का तो इसने कान में पहन रखा है, तो मतलब इतना गेटअप एक रेडी वाले का होगा। छोड़ो दीदी, किसके मुंह लग रही हो? और वैसे भी इसने तो इसको क्लियर कर दूं कि तुम्हें अपनी कंपनी अभी तक क्यों नहीं दिखा। सरप्राइज देना चाहता था, मुझे बताया था कि दीदी मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, वो लड़की बहुत अच्छी है और उसको मैं सरप्राइज देना चाहता हूँ क्योंकि एक ब्रांच हमारे नोएडा में और भी ओपन होने वाला है। और जो मैं तुम्हारे नाम से खोलने वाला था, सही रहा, अब मैं वो भी अपनी दीदी के नाम से खोलूंगा। मुझे माफ कर दो, क्योंकि इसने ये बोला था कि दीदी एक कंपनी तो आपके नाम से है, मैं मनीषा से बहुत प्यार करता हूँ। इसने बोला था दीदी ये कंपनी तो आपके नाम से है, मैं इसके लिए बहुत ज्यादा लकी हूँ, इसलिए मेरे नाम से कंपनी खोली गई।
और इसने बोला कि दीदी इस बार आपसे रिक्वेस्ट है कि इस बार मैं मनीषा के नाम से ओपनिंग करवाना चाहता हूँ। मेरे नाम से? मुझे माफ कर दो। बोल जाओ। सपने में, रियल जिंदगी में नहीं। फिर समझाओ ना अपनी बहन को। बात सिर्फ हम दोनों तक नहीं, बात तुमने हमारे खानदान तक ला के रखी। सॉरी वो गलती हो गई, मुझे गलत फहमी। मुझे ऐसा इंसान अपने घर में नहीं चाहिए। मेरे घर में जो लड़की आएगी ना वो पूरे परिवार की रेस्पेक्ट करेगी, और ऐसी लड़की चाहिए जिसको पैसों से नहीं मेरे भाई से प्यार है। दीदी सही कह रही है बिल्कुल। दफा हो जाओ यहाँ से, आज के बाद मुझे फोन करने की जरूरत नहीं है, समझी? चलो भाई वो रेडी लगा दो। चलो दीदी।